भारत की बात की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल को सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल सदन से सस्पेंड हुई। रजनी पाटिल पर आरोप है कि कल जब प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, तब रजनी पाटिल ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी का एक वीडियो मोबाइल से बनाया और उस क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी को लेकर रजनी पाटिल पर कार्रवाई की गई है। विशेषाधिकार समिति जब तक इस पर रिपोर्ट नहीं देती तब तक रजनी पाटिल निलंबित रहेंगी। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बिना जांच के कार्रवाई सही नहीं है। रजनी पाटिल अशोक राव ये जानना चाहूंगा, नहीं आपके ऊपर आरोप गंभीर था कि आपने सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल करवाया। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने उनको बोला है मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, तो भी मुझे मेरी का मेरा नेचुरल जस्टिस का मुझे मौका ही नहीं दिया, तो इसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहती। तो कार्रवाई, क्योंकि आपने कहा कि अगर मैं दोषी होंगी तो मैं पूरा मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी जी सभासद से। जय मैम, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला हो या पुरुष हो जो भी होगा कार्रवाई तो होगी अगर कुछ गलत किया तो। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कितने पुरुषों के साथ कार्रवाई की, पिछले कितने सेशन में कितने लोगों ने क्या क्या किया, इनको तो सफाई देने का मौका नहीं दिया। कोई कमेटी को भेजा आपने, कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके पहले गला काट दिया। कटाक्ष करते हुए, आरोप करते हुए कांग्रेस के एक नेता ने आक्रामक रूप भी सदन में दर्शाया। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने सदन की गरिमा पर ठेस पहुंचाया है, लेकिन आज जो डायरेक्शन उपराष्ट्रपति महोदय ने दिया वो इस बात का संकेत है कि सदन की गरिमा राष्ट्र की गरिमा है, संविधान के प्रति हम सब की जो प्रतिज्ञा है वो उसका प्रतिबिंब है। इसीलिए आज उपराष्ट्रपति महोदय ने नियम अनुसार जो कार्रवाई की उसका हम सब समर्थन करते हैं। इसी बड़ी खबर पर अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित, एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, इस बार मुद्दा रजनी पाटिल के सस्पेंशन को लेकर है। ये निश्चित तौर पर, और देखिए रजनी पाटिल के ऊपर आरोप क्या है, आरोप वो है कि जब कल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदन को संबोधित कर रहे थे उस दौरान विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे, हंगामे में जो तमाम सांसद शामिल थे लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन रजनी पाटिल के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो क्यों हुई ये समझना जरूरी है। आरोप ये है कि जब विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे उस दौरान सदन के अंदर मोबाइल से एक वीडियो क्लिप बनाई गई और उसको बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, ये जो है नियमों के खिलाफ है, क्योंकि सदन के अंदर आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरीके से वीडियो क्लिप नहीं बना सकते। इससे पहले पिछले साल जुलाई में भी कुछ इस तरीके से हंगामा हुआ था, उसके भी सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुई थी और तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया था। रजनी पाटिल के खिलाफ भी वही आरोप था और उसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन जब कार्रवाई हो रही थी तो तमाम विपक्षी सांसदों ने कहा कि एक महिला है उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। इसी पर सरकार की तरफ से यह कहा गया कि महिला हो या पुरुष हो अगर वो सदन की जो मर्यादा के खिलाफ जाके कोई कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर विवाद पैदा हो गया है संसद परिसर में, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। आगे बढ़ेंगे। भूकंप का कहर, मलबों का शहर, तुर्की के कई शहरों की यही कहानी है। शहर के शहर वीरान हो गए हैं भूकंप भूमि से। प्रणय उपाध्याय ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। तुर्की के इस ग्राउंड जीरो के ऊपर कई शहरों का हाल देखा हमने, देखा कि नूरदागी के अंदर किस तरीके की बर्बादी हुई है, हमने दिखाया कि किस तरीके से गाजियांतेप की सूरत है, और हम आप आपको दिखा रहे हैं खैरामन मराश, वो इलाका जहां के जहां पर बर्बादी बेहद ज्यादा हुई है। यहीं के पास में जो है भूकंप का केंद्र था, इस इमारत के अंदर 35 लोगों की मौत हुई, इससे 25 डेड बॉडीज निकली हैं और 5 बॉडीज जो है बताया जाता है कि अभी भी इस मलबे के अंदर है जिसे निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। आप सोचिए कि कैसा सूरत हाल रहा होगा, ये तमाम जो ट्रैक्टर्स हैं, ये जो गाड़ियां हैं ये यहां रखी हुई थी, यहां पर मैं सामान देख पा रहा हूं, यहां नन्हे बच्चों का सामान जो है वो नजर आ रहा है, यानी इसमें छोटे बच्चे रहे होंगे, एक परिवार रहता होगा, नीचे जो है उनकी शायद ये दुकान रही होगी या कामकाज का जो स्थान होगा वो होगा, और साथ ही ऊपर ही उनका रहने का घर होगा। ये पूरी इलाका, ये पूरी जो बिल्डिंग है इस तरीके से नीचे आई है जिसके अंदर शायद संभलने का भी उन्हें मौका ना मिल पाया हो, और आप देखिए कि किस तरीके से ये जो तमाम गाड़ियां हैं, ये ट्रैक्टर्स हैं, ये अभी भी इसके अंदर दबे हुए हैं, और साथ ही जो सामान है
वो लटका हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर जैसा सामान बिखरा हुआ पड़ा है, ये सामान बताता है ये छोटा किसी बच्चे का जो है, उसे छोटे बच्चे को ले जाया जाता होगा, ये उस बच्चे को रखने की के लिए जब आप उसे अपने साथ में ले जाते हैं तो ये उसका सामान है। और इस तरीके से ये तमाम सामान है, ये बताता है कि किसी की गृहस्थी, किसी की ज़िंदगी, किसी का सब कुछ यहाँ पर दफन हो गया, उजड़ गया। ये देखिए छोटे बच्चों के जो बिछौने हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। फ्रीडम ऐप से सीख कर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।